Good morning, everyone. Welcome to the wonderful world of English language. Today, I would like to bring here approximately 17 sentences, and all these sentences will be definitely based on some tricky sentence pattern. You will definitely appreciate all these sentences. So, without further ado, let's get started. Our first sentence is, मैं अपनी गलतियों से शर्मिंदा हूँ. I am ashamed of my mistakes. वो अपने व्यवहार से शर्मिंदा था. He was ashamed of his behavior. मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ. I am ashamed of you. मैं खुद से शर्मिंदा था. I was ashamed of myself. मेरा भाई बहुत ज़्यादा बोलने से शर्मिंदा है. My brother is ashamed of talking a lot. मैं शर्मिंदा हूँ. I am ashamed. Next phrase, मैं किसी चीज़ से घिरा हुआ हूँ. It means किसी चीज़ से घिरे हुए होने के लिए English बनती है surrounded with. For example, मैं अपनी परेशानियों से घिरा हुआ हूँ. I am surrounded with my problems. वह फूलों से घिरी हुई थी. She was surrounded with flowers. मेरा भाई कई कामों से घिरा हुआ था. My brother was surrounded with many works. मैं अपने प्यार से घिरा हुआ हूँ. I am surrounded with my love. मेरा स्कूल दुकानों से घिरा हुआ है. My school is surrounded with shops. मैं नकारात्मक लोगों से घिरा हुआ हूँ. I am surrounded with negative people. Next phrase, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश क्या होगी. इट्स नॉट दैट. सेंटेंसेस देखते हैं. ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता. इट्स नॉट दैट आई डोंट नो एनीथिंग. ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता. इट्स नॉट दैट आई डोंट लाइक यू. ऐसा नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं खर्च नहीं करता. इट्स नॉट दैट आई डोंट हैव मनी बट आई डोंट स्पेंड. ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता. इट्स नॉट दैट आई कांट स्पीक इन इंग्लिश. नेक्स्ट फ्रेज, केवल नाम मात्र का. केवल नाम मात्र की इंग्लिश क्या होती है. सो कॉल्ड. फॉर एग्जांपल, तुम केवल नाम मात्र के दोस्त हो. यू आर सो कॉल्ड फ्रेंड. मैं केवल नाम मात्र की का दोस्त नहीं बनना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू बी ए सो कॉल्ड फ्रेंड. ये केवल नाम मात्र की चाय है. दिस इज ए सो कॉल्ड टी और इट इज ए सो कॉल्ड टी. नेक्स्ट है, वह केवल नाम मात्र का डॉक्टर है. ही इज सो कॉल्ड डॉक्टर. वो केवल नाम मात्र की पत्नी है. शी इज सो कॉल्ड वाइफ. मैं केवल नाम मात्र का पति नहीं बनना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू बी ए सो कॉल्ड हस्बैंड. क्या वो केवल नाम मात्र का टीचर है. इज ही सो कॉल्ड टीचर. अब नेक्स्ट फ्रेज है हमारी, आउट ऑफ हैंड होना. आउट ऑफ हैंड मीन्स किसी के कंट्रोल से बाहर कोई बात चले जाए. जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अब ये कंडीशन मेरे नियंत्रण से बाहर है. नाउ दिस सिचुएशन इज आउट ऑफ माय हैंड. अब उनकी बहस नियंत्रण से बाहर हो गई है. नाउ देयर आर्ग्यूमेंट हैज़ गॉट आउट ऑफ हैंड. तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कंट्रोल से बाहर हैं. योर किड्स आर आउट ऑफ योर कंट्रोल और आउट ऑफ योर हैंड. उसका गुस्सा कंट्रोल से बाहर था. हिज एंगर वॉज आउट ऑफ हैंड. मैं तुम्हारे नियंत्रण में नहीं रहना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू बी इन योर हैंड. नेक्स्ट फ्रेज, इट्स ए मैजिक ऑफ. इट्स ए मैजिक ऑफ मीन्स ये कमाल है. किसका कमाल है वो आगे आपने सेंटेंस में ऐड करना है. फॉर एग्जांपल, ये तुम्हारी सुंदरता का कमाल है. इट्स ए मैजिक ऑफ योर ब्यूटी. ये मेरे अध्यापकों का कमाल है कि मैंने
100% मार्क्स गेन किए हैं. इट्स मैजिक ऑफ माय टीचर्स हार्ड वर्क दैट आई गॉट 100% मार्क्स. ये उसके कठिन परिश्रम का कमाल है कि वो फराटेदार इंग्लिश बोल सकता है. इट्स मैजिक ऑफ हिज हार्ड वर्क दैट ही कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश. मैं ये तुम्हारे प्यार का कमाल है कि मैं यहाँ पर हूँ. इट्स मैजिक ऑफ योर लव दैट आई एम हेयर. ये तुम्हारा कमाल है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ. इट्स मैजिक ऑफ योर्स दैट आई एम इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं. नेक्स्ट फ्रेज है, अब चाहे अच्छा हो या बुरा. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी गाइस? फॉर बेटर और फॉर वर्स. फॉर एग्जाम्पल, अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा मैं वहाँ जाऊँगा. फॉर बेटर और फॉर वर्स आई विल गो देयर. अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा वो उससे शादी करेगा. फॉर बेटर और फॉर वर्स ही विल मैरी हर. अब चाहे अच्छा हो चाहे बुरा उस मुकाबले में तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए. फॉर बेटर और फॉर वर्स यू शुड पार्टिसिपेट इन दैट कॉम्पिटिशन. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फ्रेज. और नेक्स्ट फ्रेज इज के रूप में, किसी के रूप में हो जाना. इसकी इंग्लिश बनेगी इन द गाइज ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, तुम डॉक्टर के रूप में भगवान हो. यू आर द लॉर्ड इन द गाइज ऑफ ए डॉक्टर. वो एक दोस्त के रूप में मेरा दुश्मन निकला. ही वॉज एन एनिमी इन द गाइज ऑफ ए फ्रेंड. नेक्स्ट फ्रेज और नेक्स्ट फ्रेज इज यह किसी का भ्रम होना. भ्रम होने की इंग्लिश क्या बनती है? इल्यूजन. इल्यूजन के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल, यह तुम्हारा भ्रम है कि तुम पास हो जाओगे. इट्स योर इल्यूजन दैट यू विल पास द एग्जाम. यह तुम्हारा भ्रम है कि वो तुमसे प्यार करता है. इट्स योर इल्यूजन दैट ही लव्स यू. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो गरीब है. इट्स योर इल्यूजन दैट ही इज ए पुअर मैन. और अगर वो कोई लड़की है तो इट्स योर इल्यूजन दैट शी इज ए पुअर गर्ल. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो तुम्हें कॉल करेगा. इट्स योर इल्यूजन दैट ही विल कॉल यू. ये तुम्हारा भ्रम है कि वो एक कामयाब इंसान बनेगा. इट्स योर इल्यूजन दैट ही विल बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन. ये तुम्हारा भ्रम है. इट्स योर इल्यूजन. नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं. ये फ्रेज थोड़ी सी टिपिकल है गाइस. जैसे फॉर एग्जांपल कि मैं तुमसे मिलने आई मंदिर जाने के बहाने. आई केम टू मीट यू ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ गोइंग टू टेम्पल. पानी लेने के बहाने आ जा. कम ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ टेकिंग वाटर. वो चॉकलेट देने के बहाने उसके बच्चे को ले गया. ही took his child away on the pretext of giving chocolate. वो कॉलेज जाने के बहाने उससे मिला करती थी. मिला करती थी मीन्स पास्ट है. इसमें आपको मॉडल यूज करना पड़ेगा used to. She used to meet him on the pretext of going to college. वो फूल तोड़ने के बहाने गार्डन में आया करता था. He used to come to garden on the pretext of plucking the flowers. I hope all these sentences will definitely beneficial for you and you will definitely like this video. If you like this video, please hit the like icon and don't forget to subscribe this channel and don't forget to share this video among your friends so that they can also be benefited with this video. Thank you for watching this video.